वेलकम बैक टू मिरेकलोनी क्लासेस। मैं मैसली एंड यू आर वॉचिंग मिरेकलोनी क्लासेस। आज मैं आपको एक स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूँ, एक वो स्टूडेंट जिसने मेरी कोचिंग मिरेकलोनी क्लासेस में काफ़ी दिनों तक उसने पढ़ाई करी है। यानी यूँ कहें तो बचपन से पाँचवीं या छठी क्लास से लेकर के आगे तक उसने पढ़ाई की, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स लाए और मैट्रिक में उसने उतने क्लासेस नहीं किए। मैं आपको जो बताता हूँ क्लियर बताता हूँ। कुछ महीने क्लासेस थी, अधिकांश महीने की क्लासेज उसकी हुई ही नहीं, फिर भी आखिर स्टूडेंट तो अपना ही है और काफ़ी पुराना स्टूडेंट है। छः से लेकर के जिस बंदे को मैंने 10 तक पढ़ाया हो उसने मेरे से काफ़ी कुछ सीखा होगा और उसका भी असर उसको मैट्रिक तक के अच्छे मार्क्स में मदद किया होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ मैट्रिक में जहाँ पे पढ़े या जिस तरीके से हमने पढ़ा सिर्फ उसी के मार्क्स नहीं दिखते, किसने कितना टाइम दिया है उसके भी दिखते हैं। खैर वो बात अलग की बात है। तो आज मैं एक स्टूडेंट को पेश करना चाहूँगा जिसका नाम कमलेश कुमार है और वो काफ़ी बेहतर मार्क्स लाया है। कमलेश कम ऑन। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल मिरेकल यूनिक क्लासेस। डर रहे हो? नहीं सर। कमलेश, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग इन हिंदी, नॉट इन इंग्लिश, ओके? डोंट गेट फियर। कितने मार्क्स प्राप्त किए मैट्रिक में? 434। वेरी गुड मार्क्स, वेरी गुड। कमलेश, बस कुछ ही क्वेश्चन तुमसे किए जाएंगे, क्योंकि मेरे क्वेश्चन करने का मतलब है कि जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उनको इस बच्चे से कुछ सीखने को मिले, कुछ इंस्पिरेशन मिले कि अच्छे मार्क्स हम कैसे ला सकते हैं, या कोई भी अच्छा मार्क्स लाता है या किसी को भी कामयाबी मिलती है तो इंटरव्यूअर्स उससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछूंगा, मोटा मोटी कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके माध्यम से आप समझोगे या आप जानोगे कि इस बंदे ने 434 मार्क्स ला करके, मतलब 434 मार्क्स इसने लाए तो वो किस प्रकार लाए या उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। मैं छोटे छोटे टुकड़े में करके पूछना चाहूँगा, इसलिए तुमको ज़्यादा नहीं बताने की ज़रूरत है, और जो बताओगे ईमानदारी पूर्वक बताओगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अपनी तारीफ़ के लिए कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं होना है, क्योंकि यू आर माई स्टूडेंट और जो सच होता है वही हम लोग बोला करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूरे ईयर, ये तो लॉकडाउन के दौरान काफ़ी पढ़ाई को मतलब क्षति पहुँची है, फिर भी जब तुम घर पे थे लॉकडाउन में कितने घंटे पढ़ते थे? सर 12 से 13 घंटे। लॉकडाउन में 12 से 13 घंटे? यस सर। रियली? यस सर। कैसे यकीन करूँ? सर आप हमारे पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, नहीं तो हम शुरू से ही ऑनलाइन क्लास किए लॉकडाउन के पहले से ही। क्या बात कही यार, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। चलो उसके बाद जब कोचिंग वोचिंग खुलने के बाद कितने घंटे तुम्हारे घर पर पढ़ाई होती थी? 10 घंटे से सर अधिक। 10 घंटे से अधिक? यस सर। कंटिन्यूअसली? यस सर। रेगुलर? यस सर। कभी ऐसा दिन नहीं आता था कि जिसमें 5 ही घंटे हुए हों या 2 ही घंटे हुए हों? नहीं सर, जब एग्ज़ाम के टाइम आया ना तो उस समय हमारा सर थोड़ा इधर उधर हो गया था। अच्छा, एग्ज़ाम के मतलब पीरियड में थोड़ी बहुत रूटीन जो है गड़बड़ा गई थी, यानी डिसऑर्डर हो गई थी। तो मैं पूरे ईयर को अगर बात करूँ, पूरे ईयर तक, तो मतलब पूरे ईयर में कितने ऐसे दिन होंगे जो तुम्हारे वेस्ट हुए हों या जिसमें पढ़ाई बहुत कम हुई हो? जब सर स्कूल में थोड़ा काम रहता था उस समय, जब एडमिट कार्ड मिला और ये सर जब रजिस्ट्रेशन उस समय सर। वेरी गुड। अच्छा कमलेश, तुम अपने मार्क्स से, जो कि मैंने हर स्टूडेंट से यह क्वेश्चन पूछा है, अपने मार्क्स से क्या तुम सेटिस्फाइड हो? यस सर, हम सेटिस्फाई हैं। तुमने कितना टारगेट लिया था? सर जब हम लोग आठवीं क्लास में थे तो आप सर एक नीतीश नाम का लड़का था, उनसे आप सर उन्हीं के साथ हम लोग पढ़ते थे, तो आप बोले कि इनका 420 मार्क्स आया है, उसी समय आप हम लोग को भी मोटिवेट किए और वही हमारा टारगेट था कि इसको हमको पार करना है। अरे क्या बात कहे यार, गिव अ बिग हैंड। क्या बात कहे, वेरी गुड। जब किसी की तारीफ इसने सुनी और इसे लगा कि यार इसको तो मुझे पार कर देना है, बंदे ने बताया नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि करने वाले बताते नहीं, मन ही मन इसने सपने सजा लिया, एक टारगेट बना लिया कि सर जी जो कह रहे हैं कि 420 मार्क्स को काफ़ी ज़्यादा सराह रहे हैं, काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों ना मैं इससे कुछ ज़्यादा ला करके इनसे और प्रशंसा पा सकूं। और इस लड़के ने बहुत अच्छी मेहनत करी और बहुत अच्छे मार्क्स लाए। कमलेश, जब रिजल्ट आया, 434 मार्क्स आए, उस समय कैसा फील कर रहे थे तुम? सर बहुत अच्छा फील कर रहे थे। मतलब तुम्हारी मेहनत रंग ला गई, कुछ ऐसा एहसास हो रहा हो? यस सर।
वेरी गुड। अच्छा, अपने मार्क्स को लेकर के तुम और कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर या हमारे जितने भी दोस्त देख रहे हैं या स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उन सबको क्या पैगाम देना चाहोगे? मतलब क्या कहना चाहोगे कि अच्छे मार्क्स के लिए सिर्फ ज़्यादा घंटे पढ़ाई ही करनी चाहिए या उसके साथ कुछ और भी होना चाहिए? अच्छे मार्क्स के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए, एकदम लॉजिक के साथ। हम ऐसे नहीं कहते कि आप ज़्यादा घंटा पढ़िए, आप कम ही घंटा पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए और उसके बारे में सब विस्तार से जानिए कि कैसे हम पढ़ें, मतलब उसके पूरे लॉजिक के साथ पढ़िए सर, यही कहना चाहते हैं। गिव अ बिग हैंड। बहुत अच्छी बात कही। इस लड़के का कहना है कि कितने घंटे पढ़ते हैं हम, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे पढ़ते हैं, मैटर ये नहीं करता है। हम कम ही घंटे पढ़ते हों लेकिन कितने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, कितना डूब कर पढ़ते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और हकीकत यही है दोस्त, बस हमारे घंटे गिनवाते हैं कि हमने तो 14 घंटे पढ़े, हमने तो 8 घंटे पढ़े, फुल कंसंट्रेशन कितने घंटे थे। मैं दावा करता हूँ, मैं कैमरे पे हूँ लेकिन फिर भी मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर इंसान 6 से 7 घंटे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, फुल कंसंट्रेशन के साथ 6 से 7 घंटे, डैट इज़ इनफ। वो कम नहीं है, बहुत है, लेकिन कंसंट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि अगल बगल से आवाज़ें भी आए ना तो वो सुनाई ना दे, कंसंट्रेशन वो होता है। तो जाते जाते कमलेश, मैं एक क्वेश्चन बस और करना चाहूँगा तुमसे। आने वाला इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम होगा तुम्हारा, अभी तुमने एग्ज़ाम दिया है, एडमिशन भी लोगे है ना, और इंटरमीडिएट का क्या टारगेट रखना चाहोगे? सर हमारा टारगेट है 450+। 450+। जी भाई कमलेश, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी उम्मीदों पर खड़े उतरोगे? सर हम पूरा कोशिश करेंगे और हम उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। कितना परसेंट यकीन है तुम्हें? सर 90%। 90% कम है यकीन। मज़ा नहीं आया? तब तो मुझे लगता है कि 450 तुम्हारे नहीं आ पाएंगे। बोलो कि 101% यकीन है मुझे। 101% है सर। मैं बुलवा रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट, वो तो मैंने बुलवाया। मैं ऐसा क्यों किया, एक बात मैं आप लोगों को चलते चलते बता दूँ। लोग कहते हैं ना कि कोशिश करते रहो, कोशिश हमेशा सफल होती है, लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो इसका अपवाद भी है, कोशिशें कई बार नाकाम भी हो जाती है। पता है जब हम कहते हैं ना ठीक है कोशिश करेंगे, इसका मतलब है कि आपके अंदर डाउट है, तभी लोग कहते हैं कि ठीक है कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करते हैं, करते हैं, करूँगा, करना है मुझे, है ना, आना है भाई, ठीक है कोशिश करूँगा, इसका मतलब है ना शायद वो नहीं भी आ पाएगा। आऊँगा, निश्चित रूप से आऊँगा, किसी भी हाल में आऊँगा, कन्फर्मेशन ये होती है। कोशिश शब्द आते ही 10% असफलता छिपी रहती है उसमें, हकीकत बात है। सो ऐसा नहीं करना है कि कोशिश करेंगे, बोल दो कि ला दूंगा। ला दूंगा सर। गिव अ बिग हैंड। वेरी गुड कमलेश, तुमसे गुप्तगु करके काफ़ी अच्छा लगा, मैं भी काफ़ी मोटिवेटेड हुआ तुमसे, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी काफ़ी मोटिवेटेड शायद हुए होंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कमलेश आपको कितना अच्छा लगा, इसकी बातें कितनी अच्छी लगी और इसकी जो सोच है वो किस हद तक आपको पसंद आई। इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कॉमेंट का बेसब्री से। गुड डे टू ऑल।